सो हे गाइस, सूर्य है, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अभी जो प्रीव्यू में आपने स्टेटस वीडियो देखा, इस तरह का जो वीडियो वो इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। अपना खुद का फोटो ऐड करके कुछ इस तरीके का शानदार इफेक्ट लगा के अपना वीडियो कैसे बनाओगे, इस वीडियो में मैं आपको बताया। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार, अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे रिएक्शन देके बताना कि वीडियो आपका जो कैसा लगा, ठीक है। कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताना। एंड सो भी मटेरियल यूज़ किया सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो और यूज भी कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के जो है हम फटाफट यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यार फ्रेंड, इस तरह का जो स्टेटस वीडियो क्रिएट करना है आपको, रील्स वीडियो, तो उसके लिए क्या करना है आपको, पिक्सल लैब एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी और काइन मास्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं, देन कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंटरफेस देखने को मिलने के बाद सिंपल सा आप ये टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपका लिरिक्स है, ठीक है, मान लीजिए मेरा लिरिक्स है ये बादल की चादर, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ, टाइप कर देता हूँ। आपको भी टाइप करना नहीं तो आप गूगल से डायरेक्टली कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। और एक PNG ऐड कर लेना लास्ट में, देन ओके वाले बटन पर क्लिक करना है। सिंपल सा इसका जो साइज़ है ना वो आपको यहाँ पर कम कर देना है, इस तरीके से सिंपल सा ओके वाले बटन पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आपको कोई भी अच्छा फ़ॉन्ट लगे तो वो ले लीजिए, आपका खुद का फ़ॉन्ट रहेगा तो वो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक फ़ॉन्ट ऐड किया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अंदर ऑलरेडी जो है इसमें यूज हुआ है, इसलिए मैंने वो वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐड किया है। तो ये जो फ़ॉन्ट दिख रहा है आपको, इस फ़ॉन्ट को मैंने ऐड किया है तो इस तरीके से दिखेगा। अब सिंपल सा इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको एक और ऑप्शन मिलेगा स्पेसिंग वाला, तो इसको इस तरीके से स्पेस देना है, ठीक है। एंड ओके पे क्लिक करना है, देन सबसे लास्ट थोड़ा सा लास्ट वाला ऑप्शन पाओगे तो शेडो मिलेगा, तो शेडो को थोड़ा इनेबल कर दीजिए और ओपेसिटी इसका 50% कर दीजिए। अब इस पर क्लिक करना और इसको एकदम मिडल में लाना है, तो ये रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये मिडल वाला जो दोनों ऑप्शन है उस पर क्लिक करके रखे तो इस तरीके से मिडल में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा PNG जो कि हमें आगे यूज होगा वहाँ पर स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए। अब इसको ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, देन यहाँ से हम जो है इसे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इमेज को अल्ट्रा में। और इसी तरीके से जो भी लिरिक्स सब आप टाइप करके रखिए। अगर आपको ऑलरेडी चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मटेरियल के साथ, वो PNG आप ले लीजिए। अभी हम काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है एंड न्यू रेशियो पे क्लिक करके, ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद म्यूजिक वगैरह आप ऐड कर लेना, तो सिंपल सा मैंने एक ब्लैक वाला बैकग्राउंड ऐड किया है और एक म्यूजिक ऐड कर दिया है, ये म्यूजिक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, सॉन्ग को अच्छे से सुन लेना एक बार, लिरिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे मैच करना, जहाँ से हमारा बिटमार्क होता है उस पर टैप करके रखोगे तो इस तरीके का कलर में कन्वर्ट हो जाएगा जहाँ पे हमारा बिटमार्क दिखेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने सारा वीडियो का बिटमार्क करके रखा है, ये जो मेरा बिटमार्क है यहाँ तक 13.7 तक जो टेक्स्ट वाला है, ठीक है, और उसके बाद सारे के सारे ये फोटोज़ वाले हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, मीडिया पर जाऊँगा, देन जो पिक्सल लैब से मैंने PNG क्रिएट किए वो इस तरीके से थोड़ी एडजस्ट कर लेनी है आपको। एडजस्ट करने के बाद इन एनिमेशन पर क्लिक करना, ये जो फेड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको वो वाला यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। ये ऑप्शन लोगे तो इसमें काफ़ी अच्छा आपको इफेक्ट शो करेगा, इस तरीके से फेड इन वाला, ये काफ़ी कूल लगेगा। जैसे ही हमारा बिटमार्क पे आओगे सिंपल सा स्केची वाले बटन पे क्लिक, यहाँ से फिर वो एक्स्ट्रा पार्ट जो है रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा वाला PNG भी ले लेते हैं, PNG को आप अच्छे से सेट कीजिए, देन फेड वाला जो इफेक्ट है वो आप दे दीजिए यहाँ पे इस तरीके से। और यहाँ पे भी मैं बिटमार्क पे आके फिर राइट टू ट्रिम कर लेता हूँ, ठीक है। फिर से लेयर पे क्लिक करना है और ये सारा PNG जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक साथ ही, तो आप एक साथ ही डाउनलोड कर लेना और YouTube वगैरह पे और या फिर Instagram पे, WhatsApp पे आप इसे अपलोड कर सकते हो वीडियो क्रिएट करके, बहुत ही वायरल चल रहा है, ठीक है। तो फटाफट मैं ये कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सारे के सारे इफेक्ट जो है यहाँ पे ऐड कर दिए, PNG ऐड कर दिए और उसमें इफेक्ट भी ऐड कर दिया, यहाँ तक हमारा ब्लैक बैकग्राउंड था। अब सिंपल सा साइड में एक राउंड का बटन मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करना है, एडिटिंग वाले ऑप्शन पे जाके इसे फिल स्क्रीन वाला जो ऑप्शन है वो आप ले लीजिए, देन ओके पे क्लिक करना है। फिर मीडिया पे जाना है और जो फोटो आप यूज़ करना चाहते हो अपने स्टेटस वीडियो के लिए, रील्स वीडियो के लिए, वो आप यहाँ पे ले लीजिए।
लेने के बाद क्या करना, उसको भी अच्छे से बिटमार्क कर दीजिए, मतलब जहाँ से हमारा फ़ोटो जो है डिलीट करना है तो आप डिलीट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ, और यहाँ पे काइन मास्टर का जैसे वीडियो ख़त्म होगा ना, मैंने आपको आगे प्रोसेस में बताया कि एक और अच्छा इफेक्ट कैसे आपको ऐड करना है। तो यार वीडियो को अभी स्किप मत करना, स्किप करोगे तो आगे वाला जो ज़बरदस्त इफेक्ट है वो आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो आगे भी 2-3 मिनट का ही खाली वीडियो रहेगा, तो स्किप मत करो यार। तो मान के चलो यहाँ पे मेरे फोटो सारे कंप्लीट हो गए। अब सिंपल सा इस फोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स वाला ऑप्शन पे चले जाना, देन यहाँ से आपको इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है, कॉल मी डीजे वाला। ये जो इफेक्ट है आपको 6 नंबर वाला, ये सारे फोटो पे अप्लाई करना है। और कॉल मी डीजे का इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं ऑलमोस्ट सबको पता, अगर नहीं पता है तो मैंने सेकंड चैनल पे एक वीडियो बना के रखा है, तो वो वीडियो आप देख सकते हो। और सेकंड चैनल को भी एक बार विजिट करो यार, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पे मैं क्लिप ग्राफिक्स पे जाऊँगा और कॉल मी डीजे वाला जो इफेक्ट है वो सारे फोटो को ऐड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम जो वीडियो क्रिएट कर रहे हैं वो नॉर्मल वीडियो हमारा क्रिएट हो रहा है काइन मास्टर से, बट एक इसमें और ज़बरदस्त इफेक्ट ऐड करना है यार, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जिससे काफ़ी अच्छा स्टेटस लगेगा हमारा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इस तरीके से जो है सारा सब कुछ फोटो इफेक्ट ऐड हो गए। होने के बाद इस एक्सपोर्ट वाले बटन पर आप क्लिक करके इस वीडियो को अपनी गैलरी में सेव कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये करने के बाद आपको प्ले स्टोर पर जाना और एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, प्रीक्वल एप्लीकेशन नाम इस तरीके से लोगो देख सकते हो। तो एप्लीकेशन को सिंपल सा ओपन कर लेना, देन जैसे यहाँ पे आप ओपन करोगे ना आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मतलब प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके एक वीडियो ले लीजिए जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो। तो यहाँ पे मैंने वीडियो ऑलरेडी लिया है। कैनवास वाले बटन पे क्लिक करके आप रेशियो वगैरह भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे वो वीडियो लेने के बाद यहाँ पे सिंपल सा ये साइड में आपको इफेक्ट वाला बटन मिलेगा, तो यहाँ पे इफेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब इसमें आपको एक इफेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका नाम है लोमो, ठीक है। ज़्यादातर मैं जब वीडियो क्रिएट करता हूँ तो यही वाला इफेक्ट यूज करता हूँ, बिकॉज इसमें जो फोटो है थोड़ा अच्छा लगता है, फोटो का इफेक्ट काफ़ी ज़बरदस्त आ जाता है इसमें। तो इस तरीके से देख सकते हो, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आप फोटो में इफेक्ट देखना है थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब है इस तरीके से हो जाएगा। देन इस एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो वीडियो आपका जो है सेव हो जाएगा अपनी गैलरी में। यहाँ पे एक बटन मिलेगा सेव टू गैलरी का, उस पर क्लिक करो, वीडियो आपका अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। होप करता हूँ यार वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया रहेगा, प्लीज़ पसंद आएगा लाइक करना। एंड यार सेकेंड जो चैनल है हमारा वो भी विजिट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच यार।